और मैं हूं कविता राणा। किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात पर दुनिया भर की नजरें गड़ी हुई हैं और इस ऐतिहासिक मुलाकात के अभी से कई मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन की पहरेदारी कोई और नहीं बल्कि गोरखा जवान करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। 12 जून 2018 एक ऐसी तारीख है जब दुनिया की महाशक्ति अमेरिका और अपने परमाणु परीक्षणों से दुनिया की नाक में दम करने वाला उत्तर कोरिया आपस में मिलेंगे। सिंगापुर में डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन की मुलाकात होने वाली है, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां जोरों पर है। वहीं दोनों नेताओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी जितनी अमेरिका और उत्तर कोरिया की सुरक्षा टीमों पर होगी उतनी ही सिंगापुर पुलिस पर भी। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप किम की पहरेदारी का जिम्मा गोरखा जवान उठाएंगे। जी हाँ, सिंगापुर की जो पुलिस सुरक्षा व्यवस्था देखेगी उसकी टीम का एक हिस्सा नेपाल के गोरखा जवान है, जो कि शंग्रीला समिट में भी मौजूद थे। अब आप सोच रहे होंगे कि भला सिंगापुर में गोरखा जवानों का क्या काम है, तो आपको बता दें कि पूरी दुनिया में गोरखा जवानों में इतनी काबिलियत होती है कि किसी भी परिस्थितियों में अपने आप को ढाल देते हैं और सिर्फ खास मौकों पर ही नजर आते हैं। भले गोरखा जवान अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं, लेकिन अपने पारंपरिक हथियार खुखरी को खुद से कभी दूर नहीं रखते हैं। हिम्मत का दूसरा नाम गोरखा जवान कहलाते हैं। कहते हैं कि उनकी खुखरी बिना खून बहाए मयान में नहीं जाती है, और शायद यही वजह है कि ट्रंप और किम जोंग की सुरक्षा में वो आपको नजर आएंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।